कपड़ा और मकान, ये इंसान की मूल जरूरतें हैं। जब इंसान की उत्पत्ति हुई तब भूख का एहसास सबसे पहले हुआ। अपनी भूख को मिटाने के लिए इंसान को जो सही लगा उसने वही किया। प्रारंभ में इंसान और जानवर में ज्यादा अंतर नहीं था। रोटी की तलाश उसे नदी, नाले, जंगल, पहाड़ तक ले जाती। कभी जानवर को मार कर अपनी भूख मिटाता तो कभी फूल पत्तियां खाकर निवारण करता। इस कहानी में ये दो इंसान पूरी इंसानियत को दर्शा रहे हैं। इनका मकसद केवल अपना पेट भरना है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। भगवान की बनाई इस सृष्टि में शैतान ने हमेशा इंसान के दिमाग में अपनी विकृति भरनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है तुम इंसानों को लड़ता होना चाहिए। यहाँ देखो मेरी तरफ कितनी सारी टोलियां है। मेरे पास धन दौलत ऐसो आम सब कुछ है। सब तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम दोनों में से सीधे शक्ति ने इंसान को उसकी अंतरात्मा से मिलाया और सही गलत का फैसला करने की शक्ति प्रदान की। हे मनुष्य, केवल ताकत के दम पर तू अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। जिस शस्त्र का तूने प्रयोग किया है ये तेरे अशिक्षिता का प्रमाण है। त्याग दे इसे और अपना ले मेरे इस कलम को। इसके प्रयोग से तू सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का उद्धार कर सकता है। रोटी के लिए जितनी मेहनत तूने इस लड़ाई में लगाई, अगर तू इस हल से धरती के सीने पे करता
तो आज तू अपनी रोटी खुद उगा ले। छोड़ दे इस हथियार को जो किसी के जीवन नष्ट कर सकती है, और उठा ले फल को जो धरती की कोख से एक नया जीवन पैदा कर सकती है। हल कलम को अपना हथियार बनाकर इंसान परिश्रम करने चल पड़ा। वक्त बदलने लगा। कलम की ताकत यानी शिक्षा से इंसान कई आधुनिक तकनीकियां उपलब्ध करने लगा, न केवल अपने लिए रोटी बल्कि मानव जाति के लिए सारी जरूरतों के साधन भी प्राप्त करने लगा। दूसरी ओर हल के उपयोग से इंसान कड़ी मेहनत कर दो वक्त की रोटी तो पाने लगा, परंतु शिक्षा के अभाव के कारण उसे वो सारी विपदाओं का सामना करना पड़ा जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिला और न कभी मिल सकता है। ये कैसा चमत्कार, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैं भूखमरी से मरा जा रहा हूँ। क्या तुम्हें अन्न का एक दाना तक उपज नहीं रहा है, और तुम्हारे यहाँ सब कुछ ऐसे कैसे? अरे मेरे भाई, खाने के लिए तो जानवर भी मेहनत करता है। हम इंसान केवल ताकत के दम पर सक्षम नहीं हो सकते, हमें शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हम अपनी बल और बुद्धि का सही उपयोग कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आओ मेरे भाई, तुम्हें भी इस कलम की आवश्यकता है। सिर्फ शिक्षा ही हम इंसान का उद्धार कर सकती। क्या ये संभव है? मुझे ऐसे जाहिल अनपढ़ गवार का उद्धार हो सकता है? तुम्हारे भीतर बंजर आत्मा में शिक्षा का बीज होकर तो देखो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तुम इंसान शिक्षा रूपी जाल में फंसे जा रहे हो। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को रंगीन बना सके। जरा यहाँ देखो, ऐसा नशा, ऐसी ऐश कहाँ मिलेगा तुम्हें? अब जीवनों को खत्म करने के लिए मैं तुम्हें ये आधुनिक हथियार देता हूँ। ये हो, खत्म कर दो शिक्षण को। दुश्मन तू नहीं, मेरा दुश्मन तू नहीं, हमारा तुम्हारा दुश्मन ये है। इस कहानी के जरिए हमारा केवल एक ही प्रयास है कि भारतवर्ष के किसान हल के साथ साथ
कलम भी उठा ले। फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। शिक्षित किसान, हरित कृषि।